गाजे बाजे से हुआ अफगानिस्तान का टेस्ट में आगाज, फिर टीम इंडिया ने बजाया अफगानिस्तान का बैंड, राशिद पिटे मुजीब की हुई धुलाई, शिखर धवन ने जमकर की अफगानी गेंदबाजों की धुनाई, लंच से पहले शिखर ने लगाया शतक, बैंगलोर में अफगानिस्तान का बैंड बाजा बाराज। नमस्कार, मैं हूं जीएस वेग, मेरे साथ है यहां प्रवीण कुमार। और आपको ये बता दें कि T20 सितारों से सजी अफगानिस्तान की टीम का टेस्ट क्रिकेट में स्वागत शिखर धवन ने उसी तरीके से T20 स्टाइल में किया। कैसे किया? लंच से पहले अपना शतक, कैसी खेली धुआंधार पारी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। अफगानिस्तान को धवन ने धो डाला। गब्बर ने राशिद के 29 गेंदों पर 43 रन बनाए। राशिद ने 8 ओवर गेंदबाजी की और उसमें 5 ओवर में शिखर ने कम से कम 4 गेंदें खेली। गब्बर ने महज 87 गेंदों पर शतक लगाया। इसके साथ ही शिखर लंच से पहले शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। वो दुनिया के छठे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लंच से पहले शतक पूरा किया है। जब तक शिखर क्रीज पर थे, टीम इंडिया का रन रेट लगभग 6 रन प्रति ओवर रहा। आउट होने से पहले शिखर ने विजय के साथ मिलकर 168 रन की साझेदारी निभाई। शिखर ने 96 गेंदों पर 107 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 19 चौके और 3 छक्के लगाए, वो भी 111 के स्ट्राइक रेट से। शिखर ने 107 रनों में से 94 रन चौके छक्के से बनाए, यानी कि अपनी पारी का 87% रन। पहले रन रुक नहीं रहे थे, उसके बाद आखिरी सेशन में रन ऐसा लगा बनेंगे ही नहीं, एक के बाद एक आउट होते हुए। प्रवीण, कैसे देख रहे हैं हम जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने स्ट्रगल किया, पुजारा नीचे आया उन्होंने स्ट्रगल किया, 8 साल के बाद दिनेश कार्तिक टेस्ट क्रिकेट खेलने आए, रन आउट हो गए। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो अफगानिस्तान शुरू में बॉलिंग कर रहा था लंच से पहले, वो बहुत मुझे नहीं लगता था कि बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन राशिद ने और मुजब्बिर ने जैसे बॉलिंग किया, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग किया, विकेट में बॉल डाल रहे थे, स्पिन कराने को देख रहे थे और विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे, उसका परिणाम उन्हें मिला। मेरे ख्याल में 50 रन के अंदर उन्होंने 3-4 विकेट आउट किए। और इसकी बात करें दिनेश कार्तिक की, तो वो थोड़ा तालमेल गड़बड़ा गया तो रन आउट हुए, और कुछ नहीं। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।